अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता, जो पराठा, रोटी और चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बनता है, 10 मिनट के अंदर बन जाता है। तो चले देखते हैं और मेरे साथ सीखें आप भी बैंगन का भरता बनाना। बहुत मज़ेदार होता है ये और बहुत जल्द बन जाता है। चलते हैं फिर देखते हैं। जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं फिर बनाते हैं बैंगन का भरता। देखें, मेरे पास ये दो बैंगन हैं और इनको इस तरह से काट देते हैं। और इनमें ये कुछ लहसुन के जवे हैं जो इसमें लगा देते हैं ऐसे। इसी तरह इधर लगा देंगे। बस इसी तरह इन दोनों को कर लेंगे। दोनों में इसी तरह से लहसुन लगा देंगे। देखें, ये दोनों में मैंने लहसुन के जवे लगा लिए हैं। लहसुन को छील कर और इस तरह से लगा दें। अब इनको चूल्हे पर भूनते हैं। अब इस फ्लेम को जलाते हैं और उस पर इस तरह से ये बैंगन रखेंगे और इनको भून लेंगे अच्छे से। बस इस तरह से पलट पलट कर इनको सेक लेंगे। देखें जी, बस ये इस तरह से पलट पलट के दोनों बैंगनों को मैंने भून लिया है। अब फ्लेम बंद करते हैं और इनको छीलते हैं। एक ही रखा हुआ है और एक ही है, ये दोनों। अब इनको छीलते हैं और आपको दिखाते हैं। बस इस तरह चाकू से हम इनको छील लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारा छिलका हम इसको उतार लेंगे। बस इस तरह से हमने दोनों को साफ कर लिया है। बस अब हमने ने दोनों को छील लिया है। इनको तोड़ लेते हैं। इनके जो ये लहसुन निकलेंगे, इस लहसुन को अलग रख लेते हैं। इसको बारीक चॉप करके डाल देंगे उसी में। इनको निकाल लेते हैं। लहसुन की खुशबू बैंगन के अंदर आ गई है। बस इस तरह से सबको मैश कर लेंगे। देखें, अब हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको। चूल्हे पर हमने कढ़ाई रख ली है और इसमें 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देते हैं।
और इसमें कुछ ये मेथी दाना है, थोड़ा सा ये डाल देते हैं। ये मेथी दाना है, इसमें ये डाल देते हैं और थोड़ा सा ये ज़ीरा है एक चुटकी के करीब, ये भी डाल देते हैं। मेथी दाने के बगैर बैंगन की खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसका बेस्ट और मुख्य मसाला मेथी है, बैंगन का। मेथी का दाना आप ज़रूर डालें भंगार में। अब एक मीडियम प्याज मैंने काट कर रखी है, वो भी डाल देते हैं इसमें। मेथी दाना और ज़ीरा चटक गया है। अब मेथी दाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस थोड़ा प्याज को फ्राई कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट होने तक। ये जो लहसुन हमारा बैंगन के अंदर से निकला था, ये हमने चॉप कर लिया है और इसे भी डाल देते हैं। और ये एक चम्मच मैंने अदरक चॉप किया था, ये भी डाल देते हैं। और सभी मसालों को अच्छे से भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर, आराम से भूनते रहें। बस अब ये हो गई हैं, प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट दिखने लगी हैं। हमने एक बड़ा टमाटर चॉप करके रख लिया था, इसे भी डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। और ये सूखे मसाले हैं एक चम्मच भर के, धनिया पाउडर है, आधा चम्मच से कम नमक है, ये आधा चम्मच से भी कम यानी एक चौथाई चम्मच मिर्च पाउडर है, और आधा चम्मच से कम ही हल्दी पाउडर है। ये भी हम सब इसी में डाल देंगे और सभी मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं जिससे मसाले जले नहीं, और इनको अच्छे से भून लेते हैं। देखें मसाला तो अच्छे से भुन रहा है, तेल भी छोड़ने लगा है ये। अब इसमें ये जो हमने बैंगन मैश करके रखे थे, ये डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। देखें ये बैंगन अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसको ऐसा ही रखना चाहते हैं तो ऐसा ही रख लें, थोड़ा पानी डाल के पतला करना चाहते हैं तो पतला कर लें। मैं अभी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ क्योंकि अभी 2 मिनट इसको कुक करेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। बस इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए कुक कर लें और दिखाते हैं आपको। और अब लास्ट में हम इसमें एक चौथाई चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। आपके पास अमचूर पाउडर हो तो डाल दें, वरना नींबू डाल दें, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसका रस डाल दें, इससे टेस्ट अच्छा आता है और बहुत अच्छा लगता है। बस अब इसे कवर करते हैं 2 मिनट के लिए और दिखाते हैं आपको। अभी 2 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं हम अपने भरते को। माशाल्लाह से बहुत अच्छा भरता बना है, अच्छी खुशबू आ रही है। अभी से डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। आपको अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, पूरी वीडियो को वॉच करें तभी आपकी समझ में आएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।